नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत शर्मा नव भारती परिवार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम कक्षा छह की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग एक का पाठ 9 कीड़ा स्पर्धा जो है उसको पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, कीड़ा स्पर्धा यानी कि खेल की क्या है, प्रतियोगिता है इसमें, ठीक है। इस पाठ में हमें क्या बताया गया है, जो बच्चे हैं वह स्कूल जाकर के अपने विद्यालय जाकर के अनेक प्रकार की खेल की प्रतियोगिताएं कर रहे हैं, यानी अनेक प्रकार की खेल जो है उनको खेल रहे हैं और आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए, हुमा हुमा क्या कह रही है, यूयम कुत्र गच्छत, यानी कि तुम सब कहां जा रहे हो, ठीक है। इंदर, वयम विद्यालय गच्छामः, हम सब विद्यालय जा रहे हैं, ठीक है। हुमा उससे कह रही है तुम सब कहां जा रहे हो, तो इंदर क्या कह रहा है, वयम विद्यालय गच्छामः, कि हम सब क्या कर रहे हैं, विद्यालय जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखिए फैगन क्या कह रहा है, तत्र कीड़ा इस प्रदाह संति वयम खेल खेलिष्यामः, यानी कि वहां पर हमारे विद्यालय में कीड़ा की प्रतियोगिता है, इसलिए हम सब वहां पर खेलने के लिए जा रहे हैं, ठीक है ना दोस्तों। रामचरण, फिर उसके बाद रामचरण क्या कह रहा है, किम इस प्रदा केवलम बालकेभ्यः एव संति, क्या यह जो प्रतियोगिता है वो केवल बालकों के लिए है। देखिए तो फिर उसके बाद में प्रसन्ना क्या बोलती है, प्रसन्ना क्या कहती है, देखिए, नहीं बालकः अपि खेलिष्यन्ति, यानी कि नहीं बालकों के लिए नहीं है, बालिका भी खेलेंगी, ठीक है ना दोस्तों। रामचरण, रामचरण क्या कह रहा है, किम युगम सर्वे एकस्मिन् दले स्तः अथवा पृथक पृथक दले, यानी कि क्या तुम सबका एक ही दल है या अलग अलग दल है, यानी कि रामचरण जो है वो कह रहा है कि तुम्हारा इनके बालकों का या बालिकाओं का एक ही दल है या अलग अलग दल है, ठीक है ना। उस बाद प्रसन्ना क्या बोलती है, तत्र बालिका बालका च मिलित्वा खेलिष्यन्ति, वहां पर बालक और बालिका मिल करके खेलेंगे, ठीक है ना दोस्तों। यानी कि वो जो प्रतियोगिता हो रही है उसमें बालक और बालिका दोनों साथ में मिलकर के एक ही दल में क्या करेंगे, खेलेंगे, ठीक है ना। इसके बाद देखिए फैगन क्या बोलता है, आम बैडमिंटन कीड़ाया मम सहभागिनी जूली अस्ति, यानी कि हाँ मेरा बैडमिंटन की कीड़ा में मेरे साथ में मेरी सहपाठी या सहभागिनी जो है जूली जो है वो मेरे साथ है, ठीक है दोस्तों। यानी कि इसमें जो विद्यालय में खेल प्रतियोगिता हो रही है उसमें जो छात्र छात्राएं हैं, बालक बालिकाएं हैं, उसमें बात कर रहे हैं कि क्या क्या है, एक दल है या अलग दल है या कौन 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 से खेलों को यहाँ पर बता रहे हैं। देखिए दोस्तों, देखिए प्रसन्ना, एतत् अतिरिक्त कबड्डी नियुक्तम क्रिकेट पादुकंदुकम हस्त कंदुकम चतुरंगा इत्यादि स्पर्धा भविष्यति, यानी कि उस वहां पर कबड्डी है, क्रिकेट पादुकम यानी कि फुटबॉल और हस्त कंदुकम वॉलीबॉल और चतुरंग यानी कि चरस और उसके बाद में क्या है इत्यादि स्पर्धा भवति, यानी कि सारी क्या है वो है प्रतियोगिता है, ठीक है। वहां पर कबड्डी फुटबॉल और वॉलीबॉल और
चरस संहिता चरस आदि प्रतियोगिता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए इंद्रः, इंद्र क्या कहता है, हुमे हुमे किम त्वं न क्रीडसि। इंद्र उससे कहता है कि हुमे क्या तुम नहीं खेलोगे। ठीक है, तो त्व भागिनी तू मम पक्षे क्रीडसि, यानी कि तुम्हारी जो भगनी है, तुम्हारी जो बहन है, वो मेरे पक्ष से मेरे पक्ष में है। ठीक है ना दोस्तों, यानी कि तुम्हारी जो बहन है वो क्या है, मेरे पक्ष से खेल रही है। हुमा नहीं महाम चल चित्रम रोचते, यानी कि मैं, मेरे को क्या होता है, चल चित्र जो है वो, चल चित्र का मतलब होता है सिनेमा, यानी कि पिक्चर देखना या नाटक देखना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक है, परम अत्र अहम दर्शक रूपेण स्थास्यामि, यानी कि मैं क्या करूंगा उसको दर्श पर, मैं है ना उसको दर्शक के रूप में वहां पर स्थापित हो जाऊंगा, उसको देखने के लिए मैं वहां पर क्या हो जाऊंगा, स्थापित हो जाऊंगा। ठीक है दोस्तों, देखिए राम फेकन क्या कह रहा है कि अहो पूर्णः कुत्र अस्ति कि सह कश्यामपि स्पर्धायां प्रतिभागी नास्ति। ओहो पूरण कहाँ है, यानी कि फेकन क्या कह रहा है, पूरण कहाँ है, क्या 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 वह किसी भी प्रतियोगिता में प्रतिभागी नहीं है। यानी कि फेकन सभी से पूछ रहा है कि पूरण कहाँ है, वो किसी प्रतियोगिता में प्रतिभागी नहीं है। ठीक है, उसके बाद में रामचरण क्या कहता है, सह दृष्टम न सकनोति, यानी कि उसको दिखता नहीं है, वो देख नहीं सकता है। ठीक है दोस्तों, देखिए तस्मे अस्माकं विद्यालय पठनाय तू विशेष व्यवस्था वर्तते, यानी कि उसके लिए हमारे विद्यालय में विशेष पढ़ाने की जो है विशेष व्यवस्था की गई है या विशेष व्यवस्था है। ठीक है, उसके बाद परम क्रीडाये प्रबंध नास्ति, और उसके खेलने के लिए हमारे विद्यालय में प्रबंध नहीं है, उस यानी कि जो पूरण है वो देख नहीं सकता है, तो हमारे विद्यालय में उसके लिए क्या किया है, पढ़ाने के लिए पठन की जो है वो व्यवस्था की गई है, लेकिन कीड़ा परम कीड़ा ये प्रबंध नास्ति, यानी कि कीड़ा की व्यवस्था खेलने की उसके लिए व्यवस्था नहीं की गई है। ठीक है दोस्तों, हुमा क्या कहती है, अयम कथमपि न न्याय संगतः, तो हुमा कहती है क्या यह न्याय संगत है, क्या है, क्या यह न्याय संगत है। तो उसके बाद में पूर्णः सक्षमः परम प्रबंधस्य अभावात् क्रीडितुं न शक्नोति, यानी कि पूरण को सक्षम बनाना चाहिए और परम और उसके लिए प्रबंध करना चाहिए, अब वह कीड़ा तो ना तो वो कीड़ा को देख सकता है और ना ही वो खेल सकता है, तो उस पूरण के लिए क्या करना चाहिए, प्रबंध करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, देखो आगे इंदर क्या कहता है, इंदर क्या कह रहा है दोस्तों, इंदर कह रहा है कि असमाकम तादृश्यानि अनेकानि मित्राणि सन्ति, यानी कि ऐसे तो बहुत से मित्र हैं जो देख नहीं सकते, वस्तुतः तानि अन्य अन्यथा समर्थानि, यानी कि ऐसे तो बहुत से मित्र हैं जो खेलने में देखने में क्या है, असमर्थ हैं। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे देखते हैं कि फेकन क्या कहता है, फेकन कह रहा है कि अतः वयम सर्वे प्राचार्य मिलामः, यानी कि हम सभी को प्राचार्य जी से मिलना चाहिए।
ठीक है, फैकन ने प्राचार्य जी से मिलने की बात को कह दिया यहाँ पर, ठीक है। तब कथयामः, और उनसे जाकर के हम सब क्या कहेंगे, शीघ्रमेव तेषां कृते व्यवस्था भविष्यति, यानी कि शीघ्र ही ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे जो भी बालक हो, यानी कि जो देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, खेलने में असमर्थ हो, तो उसके लिए इस प्रकार की व्यवस्था की जाए जिससे वह भी हमारे साथ खेल सके, उस जो कीड़ा का जो है वो आनंद ले सके। ठीक है दोस्तों, यानी कि हमारा जो ये रुचिका रुचिरा भाग एक का जो हमारा जो नवा पाठ था, इसमें मतलब जो आपस में मित्रगण बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सभी के लिए जो के खेलने में समर्थ हो, असमर्थ हो, विद्यालय में मतलब कीड़ा करने के लिए, खेलने के लिए उनके लिए उचित व्यवस्था या उचित प्रबंध करना चाहिए, तो वो सभी मिलकर के उस मित्र के लिए मतलब प्राचार्य जी से मिलते हैं और उचित व्यवस्था की, उचित प्रबंध की गुजारिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।